आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। दो दिवसीय दौरे पर अपने गृह जनपद गोरखपुर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विभिन्न कार्यक्रमों में हुए शामिल। गोरखनाथ मंदिर में करेंगे रात्रि विश्राम, सोमवार को लखनऊ के लिए होंगे रवाना। महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के प्रथम स्थापना दिवस समारोह में बोले सीएम योगी। कहा, नशे के खिलाफ निर्णायक अभियान से जुड़े युवा, नशे के सौदागरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई को कमर कसकर तैयार है सरकार। गोरखपुर विश्वविद्यालय के जुडिशियल ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की ओर से एक दिवसीय जिला न्यायालय के न्यायाधीशों के लैंगिक न्याय, दिव्यांगता के पीड़ितों, यौन उत्पीड़न के सर्वाइवर्स के प्रति संवेदनशील बनाने के विषय पर सेमिनार का किया गया आयोजन। मुख्य अतिथि इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति एवं गोरखपुर के प्रशासनिक जज सिद्धार्थ वर्मा ने कहा, महज कागजों के आधार पर फैसले नहीं, संवेदनशीलता का भी रखे ख्याल। सीएम योगी ने किया नेशनल एजुकेशन सोसाइटी के पूर्व प्रबंधक स्वर्गीय प्रेम नारायण श्रीवास्तव की प्रतिमा का अनावरण के साथ नवनिर्मित सभागार व प्रेरक परिषद भवन का भी लोकार्पण। कहा, तकनीकी आवश्यकता पर है संवेदनशीलता अपरिहार्य, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ ह्यूमन इंटेलिजेंस भी है बहुत महत्वपूर्ण। संवेदनशील दृढ़ इच्छा शक्ति से तकनीकी का उपयोग होने पर होता है बेहतर लोक कल्याण। एक छात्र लुटेरे मनीष शाहनी को शाहपुर थाने के पुलिस व एसओजी की संयुक्त टीम ने किया गिरफ्तार। लूट का एक मोबाइल किया बरामद, भेजा जेल। और ऑल टीचर एंड एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन अटेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने गोरखपुर व बस्ती मंडल के अध्यापकों के साथ की बैठक। कहा, पुरानी पेंशन बहाल करवाना ही है हमारी पहली प्राथमिकता।